हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं हूँ प्रथम सीता भाई, आप देख रहे हो प्रथम सीता भाई चैनल। मैं आपको लिए आ गया हूँ न्यू वीडियो लेके। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 एप्लीकेशन, वो भी है वो जो आप अच्छे से वीडियो एडिट कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग के लिए एप्लीकेशन बताने वाला, तो आप लास्ट तक वीडियो देखते रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप बोलोगे तूने वीडियो जो है मोबाइल में क्यों नहीं किया, तो भाई मोबाइल में जो है अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा मैं, मतलब वो डाउनलोड करके आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं, पर जो ये लैपटॉप की बिग स्क्रीन है तो आपको अच्छा दिखेगा आपके मोबाइल में। तो चलिए वीडियो लास्ट तक वीडियो देखते। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते। अब जो ये पहला नाम है वीवा कट करके, वीवा कट प्रो वीडियो एडिटर ऐप। इसे आप जो ये पेड है, मैं जो जो भी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ पेड है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। आप सिंपल से यूट्यूब पर जाइए, जो ये एप्लीकेशन का नाम डालिए और जो ये फ्री डाउनलोड ऐसा डालिए, आपको जो है आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वीडियो मतलब वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, तब आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब जो है आपको जो है पता ही होगा जो है वीवा वीडियो अच्छा वीडियो एडिटर है। इसके जो है 4.6 इसकी जो है रेटिंग भी दी हुई है। ये 41 MB का जो है एप्लीकेशन है। इसका जो करंट वर्जन चल रहा है 1.9.1, जो इसके 10 मिलियन या कुछ इससे डाउनलोड है। तो हम मेन मुद्दे पर आते हैं, आपको जो है कंटेंट चाहिए, मतलब ये जो है कैसे जो है एडिट करता है। तो इसमें आपको VHS एडिटिंग मिल जाएगी। अब जो है आप एडिट करते समय आप अच्छे से जो इफेक्ट लगा सकोगे। इसमें अमेजिंग ट्रांजेक्शन मिल जाएगा, ये जो है कुछ ऐसे देख सकते हो। और इसमें आपको अमेजिंग ट्रांजेक्शन कुछ ऐसे मतलब अलग अलग मोड पे अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन जो है मिल जाएगी। और इसमें क्रोमा की का कट फंक्शन भी मिल जाएगा, तो अच्छे से आप जो है क्रोमा की यूज भी कर सकते हो। और इंस्क्राइबिंग वीडियो एडिटिंग, मतलब वीडियो एडिटिंग के ही बहुत सारे जो इसमें फीचर मिल जाएंगे। इसमें आप कितने भी लेयर जो है ऐड कर सकते हो, मल्टी वीडियो लेयर मतलब मल्टी लेयर ले सकते हो, मल्टी वीडियो मास्किंग भी कर सकते हो आप। इसमें प्रोफेशनल टेक्स्ट मतलब अच्छे अच्छे टेक्स्ट के जो है जो आप उसमें अच्छे से टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छे ले फॉन्ट में। और की फ्रेम एनिमेशन आप इधर देख सकते हो, कुछ ऐसा एनिमेशन भी लगा सकते हो आप। इसमें आगे आपको कुछ अच्छे अच्छे इमोजी भी लगा सकते हो, या जाइए तो प्ले स्टोर पर जाके इसे यूज कर सकते हो। अब सेकंड वाली एप्लीकेशन की बात करें तो काइन मास्टर बहुत लोग यूज भी कर सकते हो, मैं भी यूज करता हूँ। इसमें आपको अमेजिंग वीडियो एडिटिंग के साथ आप अच्छे अच्छे बहुत सारे जो इसमें आपको एनिसम कुछ कुछ ऐसे जो है आपको फ्रेम मिलेगी, मतलब कुछ आप इफेक्ट बोलोगे, इफेक्ट ऐसे ऐसे इफेक्ट मिलेंगे। आपको सिर्फ यूज करना आना चाहिए, क्योंकि आपको इफेक्ट मिलेंगे पर आपको यूज ही नहीं करना आना आया होगा, तो आप कैसे उसे यूज करोगे। इसमें आपको सिनेमेटिक एक्सपीरियंस जो है आप जो देख सकते हो, और 4K में आप इसमें आपको एक्सपोर्ट करने की जो क्वालिटी मिल जाएगी। इसमें 30 FPS तक एक्सपोर्ट में जो आपको मिलता है, तो मैं 30 FPS ही करता हूँ। लैपटॉप में आपको 60 FPS या 240 FPS तक भी मिल जाता है, आपके वीडियो पे डिपेंड होता है। तो हम अगले जो ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, इसमें पावर डायरेक्टर आता है लास्ट में। इसमें भी आपको अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं, पर ये जो है सब पेड है, मैं आपको बता ही दिया हूँ। आप जो है 4K वीडियो बना सकते हैं इसमें, जो आप देख सकते हो पिक्चर। इसमें स्टनिंग वीडियो, स्टनिंग जो विजुअलाइजेशन वो कुछ ऐसा कर सकते हो। सिर्फ आपको यूज करना आना चाहिए। स्लो ये मतलब स्लो इट डाउन, स्लो इट अप, इसका जो है फीचर मिल जाता है इसमें। इसमें इंसर्ट एनिमेशन, एनिमेशन भी लगा सकते हो। और बैकग्राउंड मतलब आप ग्रीन स्क्रीन लेके जो है आप दूसरा बैकग्राउंड भी इसमें यूज कर सकते हो, वो का इन्वेस्टर भी में भी यूज हो सकता है। और कुछ शेकी फुटेज भी बना सकते हो आप एक टैब पर। और इसमें फ्री स्टॉक लाइब्रेरी भी मिल जाती है, और मल्टी टाइमलाइन कुछ ऐसा भी आप यूज कर सकते हो, मल्टी टाइमलाइन। और जो ये 4K वीडियो भी बना सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी न्यू न्यू वीडियो लाता रहता तो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।